बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी कमाल की वाणी है सात संगत जी, इतना प्यारा रास्ता बताया इसने। पाचा कहते हैं कि आदमी का हमारा स्वभाव कैसा है कि बुरे कर्म करके हम भूल जाते हैं, भूल ही जाते हैं, हमें याद ही नहीं होते, और जो नेक कर्म करते हैं उसका हिसाब रखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हम रखते हैं हिसाब। गुरु को आके अरदास नहीं करते, पातशाह हमने तो ऐसा ऐसा किया, इतने नेक काम किए, हमारे साथ ऐसा कैसे हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई आदमी आके ये कहता है मैंने इतने बुरे कर्म किए इसके लिए मेरे साथ ऐसा हुआ, कोई नहीं कहता। हम ये जरूर कह देते हैं कि हमने इतने अच्छे काम किए फिर मेरे साथ ऐसे हो गया। अरे भाई जो तूने बुरे कर्म किए वो भी तो याद कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं एक तरीका है, अगर तू ये तरीका अपना ले तेरे बुरे कर्म का भी हिसाब नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सा तरीका? श्रवण कीजिए। कर्म करत होवे नेह कर्म, कर्म करत होवे नेह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल तर, काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर्म करत होवे नेह कर्म, कृष्ण जी नहीं कहते गीता में कर्म कर फल की इच्छा मत रख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाणी इस बात को प्रमाणित कर रही है, कर्म करत होवे नेह कर्म, जितने भी नेक कर्म करता है उसके पीछे अपने फल की भावना ही नहीं रखता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कर्म करत होवे नेह कर्म, कर्म किया है पर वो लेखे में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि उसके पीछे उसकी भावना नहीं कि कुछ मिलेगा, उसके पीछे बस एक ही भावना है कि सामने वाला खुश हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सामने वाले की तकलीफ दूर हो जाए पर मुझे उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्म करत होवे नेह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, कोई फल की इच्छा नहीं उसकी, बस एक ही इच्छा है कि उसके प्रभु के गुण गाता रहूं, केवल भगत कीर्तन संग राज्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात को समझना, पातशाह कहते हैं कि अगर तू अपने नेक कर्मों का फल नहीं मांगेगा, नेक कर्म करके भूल जाएगा तो मैं तेरे बुरे कर्म भूल जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम गलती कहां कर बैठते हैं हिसाब करके। एक योगी था ना बाबा नंद सिंह, जिसका दृष्टांत दिया करते थे, 100 साल तप किया, 100 साल तप करने के बाद एक शिला पर बैठा है उसके ऊपर तप किया 100 साल, तप करने के बाद शिवजी भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, कहें बोल क्या मांगता है, हम तेरे तप से प्रसन्न हैं। कहने लगे मैंने 100 साल तप किया, योगी कहता है मुझे इसका फल चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगवान कहने लगे भाई तुझे अपने 100 साल के तप का फल चाहिए या कृपा चाहिए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु, हमारी प्रसन्नता चाहिए। कहने लगे नहीं मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए, मैंने 100 साल बंदगी की है, 100 साल मुझे उसका फल चाहिए, कोई एहसान नहीं चाहिए। तो भगवान मुस्कुरा के कहने लगे ठीक है फिर, अगर तू हिसाब किताब में पड़ गया है तो हिसाब किताब पूरा होगा। जिस पत्थर पर तू 100 साल बैठा रहा, जिस शिला पर, वो पुकार कर रही कि 100 साल से मुझ पर वजन डालकर बैठा है, अब ये योगी बनकर तुझ पर बैठेगा, तू पत्थर बन 100 साल, उसके बाद बात करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे अगर हिसाब किताब में पड़ गए फेल हो जाएंगे, लेख है कतई ना छूटी है, खिन खिन भूलन हर, हमारी हर सेकंड भूल होती है, अगर लेखे में पड़ गए गुरु से हिसाब किताब में पड़ गए कि हमारे हमने ये किया, इतने पाठ किए हैं, इतना दान किया, इसके बदले ये फल दे, तो फिर सारे गुनाहों का भी हिसाब होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इसलिए जब यहाँ पर आए तो ये कभी नहीं कहना, ये पंक्तियां कहो लेख है कतई ना छूटी है, खिन खिन भूलन हार बख्शन हार बख्श ले नानक
पार उतार। हे पातशाह बख्श ले, मेरा हिसाब मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर हिसाब किताब में पड़ गए तो एक एक कर्म का हिसाब होगा। और वाणी कहती है, जिया बियो तेहा फल पाया।